गाइस यार आज तो मजा ही आ गया। सिंचैन को और चॉप को घर में छोड़ के मैं गया था 5-5 बर्गर खाने के लिए और 2 पिज्जा। लिटरली गाइस आज तो मजा आ गया और जो मेरा पेट है ना पूरी तरह भरा हुआ है। बस सिंचैन को और चॉप को पता ना लग जाए कि मैं पिज्जा एंड बर्गर खाने गया था। और तो और गाइस जब मैं घर से निकल रहा था ना तो वो दोनों सो रहे थे। अभी गाइस बस वो सो रहे हो तब तो मैं नहीं फंसूंगा। बस गाइस आराम से जाऊं और अपनी बाइक को खड़ी करके मैं घर में चला जाऊं। फिर तो गाइस वेट, वहां पे सिंचैन एंड चॉप हैं। अब क्या होगा मेरा? हाय सिंचैन एंड चॉप, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए यार? फ्रैंकल भी आपको पता नहीं है क्या, हमें कहीं जाने थे। सिंचैन मत बोल, फ्रैंकल भैया को कुछ याद नहीं रहता। फ्रैंकल भैया आपको पता नहीं है आज हमारी ट्रेन जर्नी का प्लान था। वेट गाइस, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया? हाँ सिंचैन एंड चॉप, मुझे याद आ गया, लेकिन अभी तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। फ्रैंकल भैया कुछ भी काम नहीं करना है, लगेज पैक हो चुका है, घर के सारे काम डन, और हाँ खाने पीने का सामान भी पैक कर लिया है। हाँ फ्रैंकल भैया बिल्कुल सही बोला सिंचैन ने, हम लोगों ने A to Z काम कर दिया, बस अब हम यहाँ से निकलना है। वेट गाइस, सिंचैन ने और चॉप ने मेरे घर का सारा काम कर दिया और लगेज भी पैक कर दिया। मानना पड़ेगा सिंचैन चॉप, तुम दोनों ने मेरे ना होते हुए भी सारा काम खत्म कर दिया। लिटरली गाइस आज मैं सिंचैन चॉप हम तीनों करने वाले हैं ट्रेन जर्नी, और पता नहीं गाइस हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हाँ हम तीनों का प्लान था कि आज हम कहीं जाने वाले हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, टिकट्स बुक करते हैं और उसके बाद हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने गाड़ी का डिक्की बंद करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं यार। फ्रैंकल भैया वैसे आप सुबह सुबह कहाँ गए थे, और आप में से बर्गर पिज्जा की स्मेल भी आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये बर्गर पिज्जा मैं तो वहाँ गया भी नहीं, मैं तो बस अपनी बाइक का पंचर बनवाने गया था। लिटरली गाइस मैं सुबह सुबह उठा और मेरी गाड़ी में पंचर था एक, मैं तो वो बनवाने गया था। चॉप हाँ, पंचर के शॉप के बगल में ना एक पिज्जा का शॉप था, शायद वही मेरे में से स्मेल आ रही हो। चलो गाइस अभी फटाफट ना डिक्की बंद करता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ, लेट्स गो गाइस। फ्रैंकल भैया कितने मजा आएगा, आज हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। चॉप सही बोला ना मैंने? हाँ सिंचैन सही बोला, आज हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, खाने पीने का सामान भी सारा ले लिया है। चॉप क्या बोलता है, ट्रेन में हम लोग फ्रीज और टीवी ये दोनों भी लेके चले क्या? नहीं सिंचैन, ट्रेन में ये सब अलाउड नहीं होता, समझ गया क्या? वेट गाइस, फ्रीज और टीवी ले जाकर हम करेंगे क्या वैसे सिंचैन? फ्रैंकल भैया वहाँ पे मेरी कोल्ड ड्रिंक ठंडी रहेगी, और जब कुछ मुझे देखने का मन होगा मैं टीवी में देख लूंगा ये। और इन दोनों के लिए बिजली कहाँ से आएगी? बिजली का तो पता नहीं, तो सिंचैन चलेगा कैसे? हाँ यार ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वैसे गाइस ट्रेन में फ्रिज और टीवी लेकर जाएंगे तो टूट जाएगा, और हाँ वैसे भी आप लोग को हमारी ट्रेन जर्नी देखनी है तो फटाफट से ना आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना। तो गाइस अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं स्टेशन और वहाँ से लेते हैं अपनी टिकट्स, और गाइस हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकल भैया सही बोल रहे हो, चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हाँ गाइस सबसे पहले ना मुझे यहाँ से निकलना होगा और उसके बाद टिकट्स लेनी होगी, और गाइस फिर स्टार्ट होगा हमारा ट्रेन जर्नी। वेट सिंचैन, बस स्टैंड वाला और एयरपोर्ट वाला टिकट काउंटर तो बंद हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्रैंकल भैया बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है लॉस एंजेलिस में, किसी न किसी में हमें टिकट तो मिली जाएगी। हाँ हाँ सिंचैन बिल्कुल सही बोल रहा है, गाइस लॉस एंजेलिस में ना बहुत सारे ना टिकट काउंटर्स है, और आप लोगों को बता दूं कहीं से भी हमारी टिकट बुक हो सकती है। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। फ्रैंकल भैया यहाँ से कितना दूर होगा मेट्रो स्टेशन यार? सिंचैन अभी पहुँच जाएंगे, लेकिन वेट गाइस मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद हम लोग मेट्रो स्टेशन जाएंगे और गाइस वहाँ से टिकट बुक करेंगे यार। गाइस चलो पहले पेट्रोल ही भरवा लेते हैं। फ्रैंकल भैया इससे बढ़िया हमें टैक्सी बुक करनी चाहिए थी यार। नहीं 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 गाइस अपनी गाड़ी है और हम अपनी गाड़ी को आराम से स्टेशन में पार्क कर सकते हैं, अभी ये सब छोड़ सिंचैन, अभी फटाफट ना पेट्रोल फुल कराते हैं। ऑल राइट गाइस अभी वहाँ पे मेरी गाड़ी में पेट्रोल फुल हो रहा है, और जब तक मैंने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, और हाँ सिंचैन तुझे पीना है तो बता, पीना है तो फटाफट से पी ले यार। नहीं नहीं फ्रैंकल भैया मुझे नहीं पीना है, लेट्स गो गाइस। अरे फुल हो गई क्या चप? हाँ हाँ फ्रैंकल भैया पेट्रोल फुल कर दिया उन्होंने। ऑल राइट गाइस अभी यहाँ से हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल तो हो गया है,
चलो अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से लॉस एंजेलिस में जाते हैं, जहाँ पे हमें टिकट काउंटर मिल जाए और उसके बाद हम लोग टिकट बुक कर लेंगे अपनी। गाइस अभी हम लोग लॉस एंजेलिस के अंदर आ चुके हैं और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन आज बंद है, पता नहीं ऐसे क्यों। सिंचन तेरे पास आंखें तो है ना? अरे क्यों, क्या हो गया? सब कुछ साफ दिख रहा है, मुझे समझ गया है। लेकिन जो जो मेट्रो स्टेशन बंद थे वहाँ पे काम चल रहा था। बिल्कुल सही चौप, तूने सही बोला कि वहाँ पे काम चल रहा था। गाइस हम लोग जहाँ भी गए ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो मेट्रो बंद थे। फिलहाल अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ चेक कर दे कि यहाँ का मेट्रो स्टेशन चालू है या बंद है और फटाफट से ना टिकट बुक करते हैं यार। फ्रैंकल भैया बहुत बढ़िया, ट्रेन की टिकट लेना ठीक है? ठीक है ठीक है। गाइस आज मैं जो टिकट लेने वाला हूँ ना वो लॉस एंजेलिस की बहुत ज्यादा प्रीमियम टिकट है यार। चलो अभी फटाफट जाता हूँ और उसको फटाफट से लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे सिंचन आज बता कहाँ जाना है? वैसे भी गाइस लॉस एंजेलिस में ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ से नॉर्थ यंगटन चले। हाँ नॉर्थ यंगटन बढ़िया जगह है, चलो चलो वहाँ तो बहुत सारे बर्फ भी होंगे और हम लोग बहुत ज्यादा खेलेंगे भी। फ्रैंकल भैया प्लीज नॉर्थ यंगटन की टिकट बुक कर दो ना। ठीक है गाइस, लॉस एंजेलिस में ना काफी ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे हम अपने मजे भी नहीं कर पाते, लेकिन नॉर्थ यंगटन में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। ऑल राइट गाइस अभी मैं फटाफट टिकट लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। वैसे गाइस अभी मेरी टिकट आ गई है, और हाँ आज टिकट नहीं आई है, आज पासवर्ड आया है 3838। गाइस यार अभी ना ये पासवर्ड को अपने लोको पायलट को बताएंगे और वो हमें अपने ट्रेन में बिठा लेगा। लिटरली गाइस कभी कभी ना हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, पासवर्ड मिल जाता है। चलो कोई बात नहीं, सिंचन ये नंबर याद रखियो 3838, भूल गया तो हम लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे यार। फ्रैंकल भी ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे याद है। गाइस अगर आप लोगों ने पासवर्ड सुन लिया है तो आप लोग फटाफट कमेंट में बता दो कि हमारा पासवर्ड क्या है। हाँ हाँ गाइस आप लोग बता दो, वरना मैं पासवर्ड भूल गया ना तो वहीं से देख लूंगा। बाकी वैसे भी मुझे पता है आप सभी को पासवर्ड याद रहेगा, तो फटाफट से ना कमेंट सेक्शन में लिख दो 3838। और हाँ ट्रेन जर्नी ओपी भी लिख देना यार। फ्रैंकल भैया क्या हुआ, टिकट बुक हो गई? चुप, अभी टिकट बुक तो हो गई, बस यहाँ से निकलते हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो बढ़िया है। गाइस फाइनली हमारी टिकट बुक हो गई है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिलहाल गाइस अभी ना यहाँ से निकलते हैं और फटाफट जाते हैं स्टेशन में, लेकिन हाँ हमारी ट्रेन पूरे 40 मिनट बाद है। फ्रैंकल भैया स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? बस 5-7 मिनट लगेंगे सिंचन और हमारा स्टेशन आ जाएगा। और गाइस आपको क्या ही बताऊं कि हमारे पास ना अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग जब तक लॉस एंजेलिस घूम ले सिंचन। नहीं नहीं नहीं, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे स्टेशन। फ्रैंकल भैया मैं नहीं चाहता कि हमारी ट्रेन छूट जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लॉस एंजेलिस जाओगे तो पक्का हमें बहुत बहुत लेट करवा दोगे। हाँ सिंचन ये तो है, वैसे भी गाइस अभी ना हमारा जो स्टेशन है बहुत पास में, तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फटाफट स्टेशन में जाके पहुँचते हैं। और गाइस स्टेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ट्रेन दिखेंगी। सिंचन ट्रेन जर्नी में कितना ज्यादा मजा आता है ना यार। अरे मुझे तो बहुत बहुत मजा आता है। एंड गाइस पासवर्ड क्या था? चुप, तुझे पता है? तुमने मुझे कोई पासवर्ड ही नहीं बताया। अरे ऐसा कब हुआ यार, पासवर्ड तो बताया था। नहीं नहीं मुझे कोई पासवर्ड नहीं पता, समझ गया। अच्छा हाँ हाँ अब याद आया, तुझे कोई पासवर्ड हमने बताया ही नहीं था। गाइस पासवर्ड है 3739। अरे ये पासवर्ड है, लेट्स गो गाइस, चलो पासवर्ड मुझे याद हो गया 3739। वेट गाइस ये सिंचन एंड चॉप के भरोसे मैंने जर्नी किया तो पक्का मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी। लिटरली गाइस पासवर्ड है 3838 और ये पता नहीं कौन सा नंबर बोल रहे हैं। सिंचन एंड चॉप तुम दोनों शांत बैठे रहो, पासवर्ड मुझे पता है। गाइस पासवर्ड आपको भी पता है ना तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, जिससे मैं और सिंचन चॉप हम तीनों ना भूले यार। ठीक है फ्रैंकल भैया आपने सही बोला, गाइस मैंने थोड़ा गलत पासवर्ड बोल दिया, पर कोई बात नहीं। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन में, देख चो अपने स्टेशन। हाँ दिख गया, लेट्स गो गाइस चलो। फ्रैंकल भैया सामान मैं अकेले लेके आऊं क्या? हाँ सामान अकेले लेके आ जा। फ्रैंकल भैया ये गलत बात है, सिंचन से भी कोई काम करवा लो। अरे चुप, तू हमारा पर्सनल कूली है समझ गया, चल फटाफट सारा सामान लेके आ,
गाइस ये गलत बात है, सिंचन तो बहुत ज्यादा रौब दिखा रहा है। अरे चप, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चल प्यारे चप सारा सामान लेके आ जा फटाफट। हाँ 2 मिनट अभी लिखा है सिंचन, ये खोली डिग्गी और सारा सामान नीचे लेके आ रहा हूँ अभी, ये बैग ये रहा और यहाँ पे। अरे 2 मिनट आया फ्रैंकल भैया। हो भाई साहब थक गया, इतना सारा सामान फ्रैंकल भैया, नॉर्थ यंगटन जा रहे हैं, ये लॉस एंजेलिस छोड़ रहे हैं। गाइस यार एक बात बताऊँ ना, तो चॉप ना मारा बहुत ज्यादा मेहनती है, इसको एक बार कोई काम बोल दो ये हमारा काम कर देता है। थैंक यू चॉप हमारी सारी बात मानने के लिए। यार कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया, कोई बात नहीं। और गाइस आप लोग देख सकते हो ये स्टेशन कितना ओपी है, पानी के ऊपर बना है। गाइस आप लोग देखो, अगर यहाँ से किसी का पैर फिसल गया वो तो डायरेक्ट पानी में चला जाएगा। सुनचैन फिर क्या, फिर तो वो डूब जाएगा। अरे चप यार ऐसे मत बोल, डूबना तो नहीं चाहिए ना। हाँ वो बात तो है, पर गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे डायरेक्ट पुल है और पुल के पास हमारा स्टेशन बना है। यार फिलहाल गाइस अभी ना मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, और पता नहीं गाइस हमारी ट्रेन कब आएगी। और आप लोग देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि पानी का हवा ना ऊपर आ रहा है। लिटरली में गाइस बहुत ज्यादा मस्त स्टेशन है यहाँ पर। चलो अभी वेट करते हैं और ट्रेन आएगी गाइस, उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। लिटरली गाइस आज ट्रेन जर्नी में ना बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। फ्रैंकल भैया ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि मजा क्यों आएगा, क्योंकि टिकट जो खरीदी है हमने। चलो मेरा पहला स्टेशन आने ही वाला है, और मुझे यहाँ पे अपने ट्रेन को रोकना है। और हाँ आप सभी को बता दूं, ये जो ट्रेन है लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा प्रीमियम ट्रेन है। पता नहीं इतने अमीर लोग कैसे थे ये कि इन्होंने ये टिकट्स बुक करी। चलो जाता हूँ चेक करता हूँ इनके टिकट्स, और उसके बाद इनको बोर्ड करवाता हूँ। सुनो आप ही लोग हो क्या जिन्होंने टिकट्स बुक करी हैं? हाँ अंकल हमने टिकट बुक करी है। चलो फटाफट से पासवर्ड बताओ। हाँ पासवर्ड है 3838। हाँ चलो ठीक है, अभी तुम फटाफट से इंजन में बैठ जाओ। क्या इंजन में, क्यों हम ट्रेन के अंदर नहीं बैठ सकते? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे टिकट देखो, तुम्हारे टिकट ट्रेन के बाहर बैठने की है, ट्रेन के अंदर नहीं, मतलब ट्रेन के डब्बों के नहीं, ट्रेन के इंजन में बैठने की है। क्या मैंने तो ट्रेन की टिकट बुक करी थी ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे टिकट में ध्यान से देखो, शायद तुमने गलत टिकट बुक कर दिया। फटाफट बैठ जाओ वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फ्रैंकल भैया ये बहुत गलत बात है यार, ये कैसे हो सकता है? गाइस हमारी टिकट बुक कैसी हुई है, हम लोग बाहर बैठेंगे। गाइस यार मुझसे शायद गलती होगी ट्रेन बुक करने में। और लिटरली गाइस अब मुझे ना पूरी जर्नी यहाँ ट्रेन के इंजन में बैठ के निकालना होगा। लिटरली सिंचन सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हम लोगों को ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। गाइस यार ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ना हम लोग पक्का टिकट ढंग से लेंगे। कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया, अब जो हुआ सो हुआ। एंड गाइस आप लोग हमारी ट्रेन जर्नी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी ट्रेन जर्नी होती है शुरू। अंकल आराम से चलाना ट्रेन को। अरे बच्चा तो नीचे कूद गया। वेट गाइस ये ट्रेन तो चलना स्टार्ट कर गई है। ऑल राइट मैं तो बच गया, वरना गाइस अभी मैं तो यहीं छूट जाता और सिंचन चॉप यहाँ से चले जाते यार। फ्रैंकल भैया आप ऐसे कूदा फानी करोगे तो नीचे तो गिरी जाओगे ना, शांति से बैठ जाओ जैसे मैं और चॉप बैठे हुए हैं। सही बोला सिंचन, गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सिंचन तो आराम से चिल करके बैठे हैं। बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, ये ट्रेन एक बार निकल गई तो उसके बाद ब्रेक नहीं मारेगी, तुम बेशक गिर जाओ या लॉस एंजेलिस में रह जाओ, ठीक है ना? हाँ अंकल हमें पता है, हम यार ऐसे नहीं करेंगे। एंड गाइस आप हमारी ट्रेन देखो कितनी ज्यादा लंबी है, वाव बहुत मस्त ट्रेन लग रही है हमारी। फिलहाल गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा लंबी है, और लिटरली गाइस हमें मिला है ये इंजन, हमें पूरी जर्नी ना इंजन में बैठ के निकालनी है। अंकल हम क्या इंजन के अंदर भी जा सकते हैं क्या है? नहीं नहीं, इंजन के अंदर बस लोको पायलट होता है, उसके बाद पैसेंजर्स बस इंजन के बाहर रहेंगे, बाकी तुम तो समझदार हो और वो डब्बे बहुत प्रीमियम है, तुमने उसकी टिकट बुक्स नहीं करी इसीलिए तुम आप मेरे इंजन में बैठे हो। गाइस यार क्या करूँ, मुझे पता नहीं था कि मैंने जो टिकट बुक करी है वो इंजन की है, इन डब्बों की नहीं। लिटरली गाइस ये डब्बे देखो कितने ज्यादा लग्जरी लग रहे हैं। लिटरली सिंचन सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं ट्रेन के डब्बे
पक्के पूरे बुक कर दूंगा यार। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, कोई बात नहीं, हमें इंजन में बैठने में भी अच्छा ही लग रहा है, क्या चप? हाँ सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हवा भी चल रही है, गर्मी थोड़ी सी कम है, एंड फ्रैंकलिन भैया मजा भी बहुत आ रहा है, और हम तो कह भी सकते हैं कि हम लोग तो लोको पायलट के दोस्त हैं दोस्त। गाइस यार ये बात तो बिल्कुल सही बोला, लोको पायलट ना कभी भी अपने इंजन में किसी को बैठने नहीं देता। वैसे आप लोग देखो, बस हम लोग धीरे धीरे ना लॉस एंड्रोस से बाहर निकल रहे हैं। एक बार लॉस एंड्रोस से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद हमारी रियल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी यार। फ्रैंकलिन भैया जर्नी तो कब की स्टार्ट हो गई? हाँ आपने ये बात तो सही बोला कि रियल जर्नी तो अब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं लॉस एंड्रोस से बाहर। एंड गाइस लॉस एंड्रोस के बाहर है बहुत बड़े बड़े पहाड़, जंगल, समुद्र, बहुत कुछ है यार। हाँ गाइस हमारे ट्रेन जर्नी में ना बहुत कुछ दिखता है। बच्चे ऊपर चढ़े हो थोड़ा आराम से, वरना कुछ लग जाएगा तो नीचे गिर जाओगे। सही बोल रहा है यार, आराम से गाइस, अभी मैं ना पीछे आ गया हूँ। और हाँ अभी आप लोगों को बता दूं, सिंचन एंड चॉप तो आगे पे है और मैं पीछे आराम से आके ना सोने वाला हूँ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं वहाँ सो रहा था ना, तो सिंचन एंड चॉप मुझे सोने नहीं दे रहे थे यार। फ्रैंकलिन भैया सो जाओ, अगर हमें पता चला है कि आप सो रहे हो और हम आपको आके जगा देंगे, ठीक है? ठीक है गाइस, अभी उनको नहीं पता चलने दूंगा कि मैं सो रहा हूँ, और आप लोग भी ना उनको मत बताना, बस सिंचन एंड चॉप यहाँ पर आना जाए। फ्रैंकलिन भैया अगर आप ऊपर सोओगे तो नीचे गिर जाओगे, और गिरने के बाद अंकल ने तो पहले ही बोला है कि ब्रेक नहीं मारेंगे, उसके बाद आप यहीं छूट जाओगे और मैं चॉप चले जाएंगे नॉर्थ यंगटन यार। ठीक है सिंचन, मैं नहीं सोऊंगा। वैसे भी गाइस आप लोग देखो, इतना बड़ा समुंदर लिटरली में यार, इतना सारा पानी है, ऐसा लग रहा है ना कि ट्रेन को रुकवा कर नीचे जाऊं और वहां जाकर नहाऊं यार। फ्रैंकलिन भैया समुद्र में तो बड़े बड़े शार्क भी होंगे, एक काम करो ट्रेन में ही बैठे रहो, समझे क्या? ठीक है चुप गाइस, अभी आराम से ना मैं सो जाता हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी बहुत तेज नींद आ रही थी लेकिन हमारी ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है, पता नहीं क्या हो गया। चलो एक बार चेक करता हूँ कि काफी देर से ये ट्रेन रुकी क्यों हुई है। सिंचन चुप यार, हमारी ट्रेन को क्या हो गया कि ये ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है यार। अरे उठ गए, अच्छा उठ गए तो इधर आओ, देखो हमारी ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। हाँ हमारे ट्रेन का इंजन गायब है, यहाँ से उसको ले गया गया है, क्योंकि वो ट्रेन का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और उसके बाद उसमें आग लग जाती, इसीलिए मैंने इमरजेंसी नंबर डायल करके उसको सेफ जगह भेज दिया है। गाइस यार ये क्या हो गया, हमारी ट्रेन जर्नी आधी अधूरी? नहीं नहीं नहीं, अब क्या होगा, हम वापस कहाँ जाएंगे, लॉस एंड्रोस या नॉर्थ यंगटन? अरे नहीं, अभी नेक्स्ट ट्रेन आएगी, मैं तुम्हारी टिकट रीजनरेट कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें वो इंजन ले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, और इस वाली ट्रेन का? अरे इसको ले जाने के लिए मैंने आर्मी वालों की हेल्प मांगी है, वो अपना पावरफुल ट्रक भेजेंगे और इस ट्रेन को ले जाएंगे, तुम्हारी टिकट तो वापस जनरेट हो गई है यार। अंकल ये इतना भी बड़ा ट्रक नहीं लग रहा है, क्या ये ट्रक इंजन को खींच लेगा? अरे बच्चे तुम्हें ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये ट्रक इस पूरे ट्रेन को आराम से खींच लेगा, क्योंकि ये आर्मी वालों का ट्रक है और आर्मी वालों का ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं होता, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चलो ठीक है बच्चे, आज जो भी तुम्हें तकलीफ हुई मेरे इंजन की वजह से उसके लिए सॉरी, अब इस ट्रक को लेके यहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन आएगी तुम उसमें बैठ जाना यार। अंकल सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, आपने जानबूझ के थोड़ी किया है। गाइस कोई बात नहीं, होता है, ऐसे जर्नीज में तो ऐसे काम हो जाते हैं यार। चलो ठीक है बाय बच्चे, अपना ध्यान रखना, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे इंजन को। गाइस यार आप लोग देखो, एक आर्मी वाला ट्रक पूरे ट्रेन को खींच रहा है लिटरली में गाइस, ये सब देख के ना मुझे भरोसा हो नहीं रहा कि इतना पावरफुल ट्रक भी हो सकता है। सिंचन अभी हमें ना इंतजार करना है नेक्स्ट ट्रेन का, और जैसी वो आएगी उसके बाद गाइस हम लोग उसमें बैठ जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं, पासवर्ड वही बोलना पड़ेगा ना? हाँ शायद वही, क्योंकि गाइस हमारी टिकट रीजनरेट हुई है, मतलब पासवर्ड वही होगा 3838। क्यों सिंचन बिल्कुल सही बोला ना? हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे पता है आप सारे पासवर्ड कमेंट में से पढ़ रहे हो, क्योंकि पासवर्ड तो आपको एक भी याद नहीं होगा। हाँ गाइस बिल्कुल सही बोल रहा है, आप लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में 38 एंड 38 लिख दिया है और मैं उसको बार बार पढ़ ले रहा हूँ,
तो चलो अभी वेट करते हैं ट्रेन का, जैसी ट्रेन आएगी उसके बाद गाइस हम लोग ट्रेन में बोर्ड कर जाएंगे। फ्रैंकल भी है, ऐसे हम धूप में कब तक खड़े रहेंगे? सिंचन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देर और इंतजार करते हैं, नहीं तो हम लोग घर चले जाएंगे। जब घर जाने के नाम मतलब यार, अब हम लोग जाएंगे तो नॉर्थ यंगटन जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, समझ गया? ठीक है गाइस, बताने ट्रेन कब आएगी, बहुत देर से तो हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं, आ जा ट्रेन। चुप, और सिंचन ये देखो हमारी ट्रेन आ गई। अरे यार फटाफट इसमें बैठना होगा। सिंचन अभी ये रुक जाएगी, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है, पर मुझे यहाँ से 3 पैसेंजर बोर्ड करने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब आपकी टिकट है यहाँ से? हाँ हाँ, हम पहले वाली ट्रेन से आ रहे थे, वो ट्रेन खराब हो गया, इसीलिए हमें वापस से इस ट्रेन में बैठना है। अच्छा आपका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड बताइएगा। 3838। अच्छा ठीक है, आपका पासवर्ड मैच करता है, आप फटाफट बैठ जाइए, यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अंकल फिर आपने रोका क्यों? अच्छे हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे कि हमें यहाँ पे ट्रेन रोकना है, क्योंकि आप जैसे प्यारे पैसेंजर फंस रखे थे। थैंक यू अंकल, अब हम लोग ट्रेन में बैठ जाए क्या? हाँ हाँ बैठ जाओ बच्चे बैठ जाओ, चलो यार ट्रेन यहाँ से निकालना पड़ेगा, काफी लेट हो जाएंगे वरना। जब सामान उठा क्या कर रहा है? हाँ 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी ट्रेन कौन सा छूट रही है। अरे वाह गाइस, देखो जब अपने सामान कितना जल्दी रख दिया है। वही तो, इतना हड़बड़ी मत करा कर। गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग वापस से बैठ चुके हैं सेकंड ट्रेन में, और लिटरली गाइस लॉस एंजेलिस की रेलवे ने ना हमें ये वापस से प्रोवाइड कराया है दूसरा ट्रेन, क्योंकि पहली वाली ट्रेन का आप लोगों ने हालत देखा था, वो तो बिल्कुल खराब हो गई थी और उसको आर्मी वाली ट्रक ले गई थी। लेकिन गाइस हमारी जर्नी वापस से यहाँ से कंटिन्यू होती है और हमें जाना है नॉर्थ यंगटन, और आप लोग देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है यार। ट्रायंगल भी है, मजा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गाइस जा कह रहे हैं नॉर्थ यंगटन, अगर बीच में हमारी ट्रेन खराब नहीं होती ना तो पक्का अभी तक तो हम लोग पहुँच जाते। नहीं सिंचन, नॉर्थ यंगटन यहाँ पे थोड़ी है, दूर है, पहुँचने में टाइम तो लग ही जाता। हाँ वो बात भी है, लेकिन गाइस बीच में आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत हो गई, ट्रेन खराब हुई फिर ट्रेन बदला, सही में प्रॉब्लम की भरमार हो गई थी, पर कोई बात नहीं चलते हैं अभी। अरे फ्रैंकल भी है, गाइस अभी तो फ्रैंकल भी नीचे रह गए थे, पर वो तो बढ़िया है कि फ्रैंकल भी ऊपर आ गए। फिलहाल गाइस आप लोग देख सकते हो मैं ट्रेन के नीचे गिर गया था, लेकिन हाँ वापस से मैं टाइम रहते ना ऊपर वापस से चढ़ गया। चलो अभी फटाफट से ना अपने ट्रेन जर्नी को एंजॉय करते हैं। हाँ सिंचन एंड चॉप, तुम्हें जो खाना है ना वो खा लो बैग से निकाल के, वैसे भी गाइस अभी ना हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। चुप, अरे फटाफट कुछ खाने पीने को निकालना, भूख लग रही है। अरे हाँ 2 मिनट, अभी मैं बिस्किट एंड चिप्स निकालता हूँ। ठीक है, ओ यार ये तो ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये तो। हाँ सही बोला। अरे उतर जाओ, अरे फ्रैंकल भैया उतर जाओ, ट्रेन हम लोगों की खाली हो चुकी है, जल्दी आओ। गाइस वेट, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मैं समझ गया कि मैं नॉर्थ यंगटन पहुंच गया। ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ यंगटन, और लिटरली गाइस सिंचन एंड चॉप तो पहले से नीचे उतरे हुए थे। ट्रायंगल भी है, अब किसी तरह यहाँ पे कार लाओ, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, और कार नहीं रहेगी तो बहुत ठंडी लगती रहेगी। जाओ और फटाफट कार लेके आ जाओ एक। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। गाइस यार आप लोग को क्या बताऊँ, नॉर्थ यंगटन में ना बहुत ज्यादा ठंडी है, और हाँ आज ये ट्रेन जर्नी करने में ना बहुत ज्यादा मजा आया, आप लोगों ने देखा हमें 2-2 ट्रेन बदलनी पड़ी। लेकिन हाँ गाइस आप लोगों को ये जर्नी देखने में मजा आया तो फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। फिलहाल मैं जाता हूँ और कार लेके आता हूँ। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।